नारी नहीं है बेचारी, क्योंकि नारी भी बन गई है व्यापारी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने उर्वशी यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं आयुष टेक्सटाइल पटना, और ये पटना के कुम्हरार में है। और आप आपको मिलवाने जा रहे हैं उसी नारी से, उस नारी का नाम है मंजूषा सिंह, और उनसे क्या आपको मिलने वाला है, कौन सा व्यापार आप शुरू कर सकते हैं इनके साथ जुड़ के। तो चलिए गाइस, मिलवाते हैं मैडम से और पूरा डिटेल, पूरी जानकारी लेते हैं। मैडम जी नमस्कार। मैडम ये बताइए कि आपके पास क्या कलेक्शन है, व्यूवर्स को क्या मिलने वाला है, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कितना रेंज, कितना वैरायटी, पूरा प्लीज डिटेल में बताइए कि हमारे लोग कैसे आपके साथ जुड़ के अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। सर, हमारे पास ए टू जेड आइटम मिलने वाला है, जैसे साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, किड्सवियर, जैसे अभी विंटर का सीजन है तो विंटर का भी आइटम मिलेगा, अंडर गारमेंट्स, ए टू जेड आइटम हमारे पास आपको मिलेगा सर। अब रहा बात कि वो कैसे अपना कितने से बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, तब और वो फेरी के थ्रू अगर अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर वो शॉप खोलना चाहते हैं तो मिनिमम 20,000 से 25,000 में भी अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं सर। जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी लगन चल रहा है, तो ये उनके पास एक अच्छा मौका है अपना बिजनेस स्टार्टअप करने का, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जिनका कोरोना में रोजगार छूट चुका था, वो अभी अपना वो 5,000 से फेरी के थ्रू भी अपना एक स्वरोजगार, अपना एक छोटा पूंजी इन्वेस्ट करके भी अपना एक रोजगार शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपना 50 या 1 लाख लगा करके ही पूंजी अपना बिजनेस का स्टार्टअप करें, वो शॉर्ट पूंजी से भी अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, जिसमें हमारा उनका फुल सपोर्ट रहेगा। जैसे उनके पास कोई माल हमारे यहाँ से ले जाते हैं, जैसे साड़ी हो गया, कुर्ती, कोई भी आइटम हमारे पास से ले जाते हैं, अगर उनका 1 से 1.5 मंथ तक उनका माल सेल नहीं हो रहा है, वो हमारे पास से एक्सचेंज करके न्यू आइटम ले जाए, वो हम आपको उनको एक्सचेंज करके देंगे। जैसे हमें भी पता चलेगा कि उनके मार्केट में क्या सेल हो रहा है, उनके मार्केट में क्या सेल नहीं हो रहा है, ताकि आगे से हम उनको वही आइटम प्रोवाइड करवा सकें सर। जैसे हमारे जो भी माल है वो ऑल इंडिया ओवर जाता है सर। अच्छा, तो गाइस आपको बता दूं, इनका माल ऑल ओवर इंडिया में जाता है। आप अपना छोटा पूंजी से भी अपना व्यापार इनके साथ जुड़ के स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमको आप क्या दिखाने वाले हैं? आज हम जैसे कि अभी बताए सर कि लगन स्टार्ट है, तो अभी हम सारे व्यूअर्स से बोलेंगे कि आप साड़ी से स्टार्टअप कर सकते हैं, जिसके लिए हम आज आपको साड़ियों का कलेक्शन दिखला रहे हैं सर। हमारे पास साड़ी आपको 60 रुपये से लेकर के 5,000 तक का मिलने वाला है सर। अच्छा, तो गाइस आपको बता दूं कि स्टार्टिंग जो साड़ी का रेट है वो है 60 रुपया, 60 रुपये की भी साड़ी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैडम थोड़ा सा दिखाइए कि 60 रुपये की कौन सी साड़ी है और कैसे लोग आपसे जुड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ये है 60 रुपये वाली साड़ी सर। ठीक है, ये 60 रुपये की साड़ी है सर। 60 रुपये का जी। अच्छा, ये पूरा फ्रेश रहेगा सर। फिर देखिए ये आएगा 105 का सर, बॉक्स का। देखिए ये 105 रुपये का जी। अच्छा, बॉक्स में रहेगा सर। अच्छा, देखिए तो ये पूछना चाहूँगा कि 60 रुपये वाला साड़ी कितने में सेल हो जाएगा मार्केट में, चाहे 105 रुपये का जो ये बॉक्स वाला साड़ी है, ये इसका क्या रेट होगा, कैसे बिकेगा ये? देखिए ये 60 रुपये वाली साड़ी है, इसको आप 100 में सेल कर सकते हैं सर। अच्छा। ये 105 वाली है, इसको आप 150, 160, 170 में सेल कर सकते हैं आराम से सर। ठीक है, जैसे देखिए ये 170 का सर। 170 का जी, लैक्रा मार्बल पर है सर, पूरा साड़ी प्लेन रहेगा और ये आँचल पर गोटा लगा हुआ रहेगा सर। ये साड़ी पूरा, कुछ लोग बोलेंगे कि साड़ी कम रेंज का है तो हो सकता है उसका कट छोटा हो, बट कोई भी साड़ी आपको कट छोटा नहीं मिलेगा सर। सारा साड़ी आपको 5.5 मीटर का ही होगा। अच्छा। और विथ ब्लाउज होगा सर, मतलब ब्लाउज उसके साथ है जी सर। जैसे देखिए ये 170 का है, इसको आप मार्केट में 250 में सेल आराम से कर सकते हैं सर। मान लीजिए आप कहीं हाट वगैरह पर भी सेल लगाते हैं, 500 का जोड़ा भी लगा करके आप सेल कर सकते हैं सर। यहाँ आप अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको 50 से 60% आपको बचत होना ही है सर। जैसे हाँ। देखिए ये 185 का है सर, 185 का। अच्छा। इसको आप आराम से सर 300 में सेल कर सकते हैं। ये है 185 का, लगभग 300 में सेल हो जाएगा। सेल हो जाएगा सर। अच्छा। फिर ये आएगा सर आपको 350 का जी, वर्क में। अच्छा। तो ये 350 वाला कितने में बिक जाता है मार्केट में, बिक सकता है? ये 500 प्लस में जाएगा रिटेलिंग सर। देखिए ये ब्रासो में है सर। अच्छा, जैसे भी ब्रासो कपड़ा मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रहा है, सत्यवचन का। अच्छा, ये आपको 500 का हमारे पास पड़ेगा सर, मार्केट में आप इसको 700 प्लस सेल कर सकते हैं सर।
जैसे देखिए ये भी आपको 500 का पड़ेगा सर। जैसे हम आपको बताएं हमारा शॉप अजमेरा फैशन से टाइप है, देखिए अजमेरा का, इस पर लोगो भी आपको लगा हुआ मिलेगा सर। तो ये अजमेरा फैशन का है जी सर। ठीक है, जैसे देखिए ये भी आपको पड़ेगा 500 का। सेम डिजाइन है सर, बट कपड़ा आपको अलग आएगा सर। ये आपको पड़ने वाला है विचित्रा पर, और ये पड़ेगा शिफॉन पर। ये 600 का पड़ेगा, ये 500 का पड़ेगा सर। डिजाइन सेम रहेगा बट फैब्रिक का अंतर आएगा सर। अच्छा, जैसे देखिए कुछ हम आपको बॉक्स का भी आइटम दिखलाते हैं सर। जैसे देखिए ये देखिए सीरी श्याम, ये मात्र 230 का पड़ेगा सर। अच्छा, ये कहाँ का माल है वैसे? ये सब सूरत का है सर। सूरत का जी, सीरी श्याम टेक्सटाइल। जैसे देखिए फिर ये जय लक्ष्मी 280 का, इसका जो फैब्रिक होता है लक्ष्मीपति का जो साड़ी आता है सेम उसी का ये फैब्रिक है सर, बट ये उसका डुप्लीकेट ब्रांड हो गया सर। अच्छा, जय लक्ष्मी ये आपको 280 का पड़ेगा सर। 280 का जी। जैसे देखिए हम आपको दिखलाते हैं, देखिए फिर ऐसे कैटलॉग के साथ आएगा सर, कैटलॉग वाली साड़ी। जैसे देखिए हमारे पास कयान का मिलेगा। अच्छा, देखिए ये सब कयान का है सर। अच्छा, फिर ये सत्य वचन का है, देखिए ये उसे कैटलॉग है जी सर, कैटलॉग आइटम ही है ये। 8 पीस का बॉक्स रहेगा सर। 8 पीस का जी। तो क्या अगर कोई अपना शॉप खोलना चाहे तो मिनिमम 8 पीस लेना पड़ेगा क्या उसको? नहीं सर, वो अगर आप मान लीजिए कम आपके पास पूंजी है तो आप 4 पीस, जैसे 8 पीस का डब्बा है आप 4 पीस भी ले जा सकते हैं, और किन्हीं को पूरा बॉक्स चाहिए तो पूरा बॉक्स भी देते हैं। बस कुछ लोग सेम मतलब डिजाइन में अगर बोलते हैं कि क्या हमको 3-4 डब्बा मिलेगा तो वैसा भी हम दे सकते हैं सर। ऐसा नहीं है कि अगर आप बोल रहे हैं कि हमें 3-4 पीस है तो उतना ही मिलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सर। जैसे कि अगर आपको सेम डिजाइन में अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप हमको हमें 5-6 दिन का टाइम देना पड़ेगा सर, क्योंकि हमारे पास आपको 8 दिन में हर बार डिजाइन चेंज हो जाता है सर साड़ियों का, इसीलिए अगर आपको सेम डिजाइन में चाहिए तो 5-6 दिन का टाइम देना पड़ेगा सर। जैसे देखिए सत्य वचन का, फिर एक हर्षिनी है, ये हर्षिनी का टिक, ये लगभग सारे गुजरात के ही प्रोडक्ट हैं। सारे साड़ी वो सर गुजरात से ही हर जगह जाता है सर। अच्छा, गुजरात के सूरत से। ठीक है, जैसे देखिए ये हर्षिनी का हो गया सर। जैसे देखिए हम कुछ साड़ियों का आपको दिखला देते हैं। देखिए देखिए ये हरी गंगा है। अच्छा, इसका क्या रेट होगा? ये आपको 400 पड़ेगा सर। 400 जी। ये है यू बंसल, साड़ी पूरी प्लेन रहेगी सर। इसका ब्लाउज जो आएगा प्रिंट आएगा। इसका क्या रेट है? ये भी आपको 400 पड़ने वाला है। 400 सर जी। ये बरासो पर है सर। 750 बड़ा खूबसूरत साड़ी है दोस्त। ये 500 का सर। 500 जी। कुछ आइटम हम आपको कलकत्ता वर्क में दिखलाते हैं, कुछ कस्टमर लोग का डिमांड होता है कि कलकत्ता वर्क होता है सर। इसे देखिए कलकत्ता वर्क साड़ी हमारे पास सर आपको 900 रुपये से स्टार्टिंग मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत है काफ़ी। तो ये कहाँ का माल है? ये कलकत्ता का है सर। ये कलकत्ता से आता है जी सर। ठीक है, ये आपको 1200 का पड़ेगा सर। 1200 जी। फुल्ली वर्क रहेगा सर, हैवी वर्क आएगा। हाँ, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है सर। फिर ये आपको 1300 का पड़ने वाला है सर। तो देखिए हम आपको एक बनारसी का दिखलाते हैं साड़ी सर। अच्छा, ओरिजिनल बनारसी। ये इसका क्या रेंज है? ये 4800 का है सर। इसको आप मार्केट में 10,000 से लेकर के 12,000 तक सेल कर सकते हैं सर। 10 से 12,000 में जी सर। तो ये तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है जी। इसमें आपको दुगना हो ही जाता है, बचत है ही सर। बनारसी ऐसा फैब्रिक है हाँ। जिसमें आपको दुगना प्रॉफिट होना ही है सर। जैसे हम आपको एक चंदेरी का आइटम दिखलाते हैं, इसमें भी आप अगर हमारे पास से ले जाते हैं तो उसमें आपको दुगना प्रॉफिट होना ही है सर। अच्छा, तो देखिए ये चंदेरी सिल्क फैब्रिक होता है, कांजीवरम पैटर्न होता है इसमें। अच्छा, ये आपको हमारे पास 550 से स्टार्टिंग आएगा सर। 550 हो गया, 650, 850, ये 1000 का है,
एक और है देखिए, ये आपको 1100 का पड़ेगा सर। ये कितने का है? 1100 जी। ऐसे हमारे पास सर कांजीवरम में आपको मिनिमम 2500 तक का आएगा सर। अच्छा जी, ये सब चंदेरी सिल्क पैटर्न है सर। अच्छा हाँ दोस्तों, बहुत खूबसूरत साड़ियाँ हैं इनके पास, कलेक्शन की कमी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। एक वीडियो में तो उतना दिखलाएंगे नहीं, इसीलिए हम बोलेंगे कि आप हमारे शॉप पर एक बार विजिट कीजिए। हाँ। आप पहले पूरा मार्केट देख लीजिए कि कहाँ किस रेंज में आपको क्या फैब्रिक मिल रहा है सर। हाँ। उसके बाद हमारे यहाँ से लीजिए। अब मान लीजिए हमारे पास से आप जुड़ते हैं तो आपको बचत होना चाहिए, तभी हम आपको माल देंगे। अगर आप हमारे यहाँ से माल ले जा रहे हैं, आपको बचत होगा ही नहीं, तो वैसे में हम माल सेल करते ही नहीं है सर। हाँ, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको हमसे ये प्रॉमिस करके माल उठाना होगा कि आप आगे अपना काम कंटिन्यू करेंगे। अब ये नहीं कि आप हमारे यहाँ से माल ले गए, नहीं बिक रहा है तो नहीं भी आप करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है सर। क्योंकि मान लीजिए वैसे में परिवार भी दुखी हो जाता है कि मान लीजिए कि ये स्टार्टअप किया और फिर हार मान गया, तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे सर कि आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो आप अपना हिम्मत मत हारिए, आप हमसे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको ये माल सेल नहीं रहा, नेक्स्ट दूसरा आइटम ले जाइए, वो सेल होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का हर कपड़े में हर आइटम में ही सक्सेस है सर, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए साड़ी ले गए, साड़ी में सक्सेस नहीं हो रहा है, तो कुर्ती प्लाजो ऐसा है, बहुत सारे हमारे पास आइटम्स हैं जिसमें आपको सक्सेस होना ही है। बट अगर आप हिम्मत हार जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका परिवार। तो अगर ये बात बताइए, अगर कलेक्शन ले गया इस साड़ी का, उसका नहीं बिका, तो क्या होगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में आप हमारे पास, मान लीजिए आपके सेल नहीं हो रहा है, हमारे पास लेकर के आइए। अगर आप साड़ी में से आप सक्सेस नहीं किए हैं, कुर्ती है, लेगिंग्स है, किड्स वियर है, बहुत सारे आइटम्स है जो आप ले जाइए एक्सचेंज करके, वो बेच करके देखिए। हमारे पास सर जैसे कुछ ऐसे आइटम्स है जो 99 के अंदर भी सेल हो जाते हैं, जैसे किड्स आइटम है जो हमारे पास 6 रुपये से स्टार्टअप होते हैं, कुर्ती है जो हमारे पास सर आपको 100 रुपये से स्टार्टिंग है, जिसको आप 150-200 में सेल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आइटम्स है जो आप हमसे दोबारा एक्सचेंज करके ले जाइए, सेल कीजिए। मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि आपको साड़ी में ही सक्सेस मिल, हो सकता है आपको कुर्ती लेगिंग्स प्लाजो में सक्सेस मिल जाए, उससे ना हो तो आपको किड्स वियर में सक्सेस मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें सक्सेस होना ही है। अगर अंत में अगर आप किसी चीज़ तरह का अगर नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं, उसके अलावा हम कंपनी से बात करके आपको पैसे का जो भी होगा प्रॉब्लम, वो कंपनी उसमें कुछ काटता है सर, कुछ परसेंटेज, उसके बाद पैसा रिफंड कर देता है। उसके लिए आपको 8 दिन का टाइम देना पड़ेगा सर। अच्छा, तो गाइस आपको बता दूं पूरा डिटेल, अभी मैं बता देता हूं। मैडम के कहने के मुताबिक ये है कि आप इनके साथ जुड़ के अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई रेंज की लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप फेरी करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000, अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं, अपने शॉप से कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम 20000 से, कहने का मतलब है कि पूरा कलेक्शन एक बार आपका स्टोर भर जाएगा तो वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि स्टार्टिंग है साड़ी की 60 रुपये से, और आगे आप उसको बेच सकते हैं 100 रुपये, 120 रुपये के आसपास, तो लगभग 1.5 गुना या डबल का मुनाफा इसमें आप कमा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आप यहाँ से इनसे सामान लेते हैं, आपका 1.5-2 महीने तक अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आउटडेटेड हो जाता है, मार्केट में सेलिंग नहीं है, तो इनके पास आइए, उस कपड़े को एक्सचेंज करा के आप उसके जगह पे दूसरा कपड़ा ले जाइए। लेकिन आप चाहते हैं कि ये भी मेरा सेल नहीं हो रहा है और अब मैं बिजनेस भी नहीं करूँगा, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो आप एक्सचेंज के जगह रिटर्न करके, रिटर्न पॉलिसी में कुछ आपका पैसा कटेगा और आप कपड़े का अपने यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं और अपना पैसा ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनके साथ जुड़ के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सारी सेफ्टी सारी सिक्योरिटी इनके पास अवेलेबल है। तो मैम यहाँ तक जो वीडियो मैंने बताया है और आपने जो दिखाया है, मुझे काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा और सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। जगह है पटना, इनके साथ जुड़ के आप अपना अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इनके साथ जुड़िए और अपना व्यापार आगे बढ़ाइए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कीजिएगा लाइक, शेयर भी कीजिए और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में।